वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग जो डीएलएड में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार एक बार जो आप सभी का पेपर था सबका लगभग हो चुका है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के थे। तो ये क्लास आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि रात्रि 10 बजे से है, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का टाइम भी जल्द ही एडजस्ट किया जाएगा। अभी तक जो आपकी क्लास होती थी डीएलएड की, वो संयुक्त क्लास होती थी, मतलब एक ऐसी क्लास जो डीएलएड की सभी परीक्षाओं के लिए होता था। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट और कंप्लेंट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको सेमेस्टर वाइज अलग अलग क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है नंबर और डिजिट, यानी अंक और संख्या के बारे में पढ़ लिया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप ध्यान से ये देख लीजिए कि ये डीएलएड के अलावा कोई भी परीक्षा आप देने वाले हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बीएड का हो, या फिर आप 10th या 12th में है, तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेसिक है। और लेकिन ये डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के अनुसार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, नेचुरल मतलब एक ऐसा चीज जिसको नेचुरल ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो। जैसे नेचुरल चीजें क्या है, नदियां जिनको मानव ने नहीं बनाया, पेड़ और पहाड़ पर्वत, है ना। तो नेचुरल वो होता है जो मतलब प्रकृति ने बनाया है, जिसे इंग्लिश में गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड, ठीक है। तो संख्या के बारे में बात करें तो गॉड ने कौन सी संख्या गिफ्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं जिन्हें हम फील कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हमने कहा जीरो, हमारे पास जीरो रुपया है, तो क्या आप फील कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि जीरो रुपया कैसे होगी, छोटी सी होगी, बड़ी सी होगी, कितनी होगी, या फिर उसका क्या क्या खरीद सकते हैं, नहीं सोच पाएंगे ना, क्योंकि जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है, नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा वन वन, तो अगर एक कहा तो आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि एक रुपया कैसे होता है। अगर सिक्का होगा तो गोला गोला होगा, है ना। मान लेते हैं एक पेन कहा तो एक पेन होगी तो ऐसे होगी, मतलब आप उसको कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ एक कैसे होता है, यानी कि एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, वह संख्या है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, परीक्षा में आपके सवाल भी ऐसे पूछा जाता है, कैसे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट या फिर शुरू होती है कहां से, ऑप्शन हो जाएगा जीरो से, वन से, टू से या फोर से। इसमें आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब प्राकृतिक संख्या में भी कई संख्याएं होती हैं, वो सब हम बात करेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या की होता है वही पूर्ण संख्या की भी होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्याओं की फैमिली बनती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जो मैं बातें बोल रहा हूं, वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख लें, नोट कर लें, फिर से सुन लें, बार बार मैं इसलिए बोलता हूं, प्राकृतिक संख्याओं की फैमिली में जीरो को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या होती है एक से लेकर के अनंत तक, नेचुरल नंबर। इसमें अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। बात समझ में आई ना, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इन्हें चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में होता है मतलब इंटीगर इंग्लिश में बोलते हैं, ये धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है, यानी कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को आप क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक ना। यानी टोटल जितनी भी नंबर होती है सभी को पूर्णांक बोला जाता है,
चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे जिस प्रकार का पूर्णांक हो। जैसे हमने बोला यहाँ पर 5 + 5 तो क्या है, ये पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। अगर मैंने बोला -5 ये भी एक पूर्णांक है, माइनस पूर्णांक है, मतलब ऋण पूर्णांक है, जिसे नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, इसे पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। और अगर हमने लिखा यहां पर 15 तो ये भी क्या है, धन पूर्णांक है। धन का चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे, धन पूर्णांक माना जाता है। अगर हमने लिखा यहां पर -200 तो माइनस में भले है लेकिन फिर भी क्या है, ये पूर्णांक है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोला जाता है। अगर आप लोग चाहें तो हम इसको लिखवा भी सकते हैं, लेकिन तो आप लोग सुन सुन करके लिख लें बातों को, समझ समझ करके जो हम आपको बोलते हैं उसे आगे लिखते चले। इसे आप इस तरह से भी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे हमने आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा बताया कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर बड़ी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। उसी तरह से आप पूर्णांक की परिभाषा भी प्राकृतिक संख्याओं पर निर्भर करके दे सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर जो संख्याएं बनती हैं वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, वो पूर्ण संख्याएं, माफ करिएगा, पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण सम संख्या। सम संख्या इसको अब हम देखेंगे, इसके पहले हमने ये सब देख लिया, ये सब हो चुका है ना। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, और क्वालिटी बिल्कुल HD में है बाबू, क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल मस्त दिखेगा। गणित के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ और भी चीजें पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से PBR स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट मिल सके, ठीक है ना। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा इस क्लास को, लाइक जरूर करिएगा बाबू, तुरंत लाइक कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल मस्त दिखेगा, एकदम फुल HD क्वालिटी में दिखेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे सब्जी बनाते समय नमक की भूमिका होती है ना, उसी तरह अगर गणित पढ़ना है तो ये सब चीज आपको आना चाहिए। मतलब अगर जैसे सब्जी बनाने के लिए नमक, मसाला, हल्दी, मिर्चा, नमक, तेल की जरूरत होती भाई ना, उसी तरह से ये सब है, बस इतना जान लीजिए। किसी भी सेमेस्टर में है आप, ये नहीं जरूरी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है तो आप इसको क्यों देखेंगे, किस काम का है, सभी के काम का है ये, ठीक ना। आगे चले, सम संख्या कैसे पहचानेंगे, परिभाषा कैसे देंगे। इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 से विभाजित संख्या को सम संख्या कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर कोई संख्या बड़ी सी है तो आप कैसे जानेंगे कि 2 से विभाजित है कि नहीं है। जैसे हमने कहा 4, आप इसको बता दिए कि सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जा रही है। लेकिन हम अगर इसी में और भी कुछ बना दें, ये इतना बड़ा हमने लिख दिया, अब आप कैसे कहेंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। 2 से काटेंगे तो भाई टाइम लग जाएगा 2-4 मिनट का। लेकिन हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे ये क्या है, एक सम संख्या है। और अगर इसमें हमने एक और नंबर जोड़ दिया ये विषम हो गई, कैसे जानेंगे। देखिए इसकी आसान सी परिभाषा जो हम बता रहे हैं आपको, वह संख्याएं जिनका अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट 0 हो, 2, 4, 6, 8 आदि हो, मतलब कि 2, 4, 6, 8 और 0 अगर संख्या के अंत में आए तो वो सम संख्या होगी, अन्यथा क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा कौन सा सही है और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दूसरा सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। निम्न में कौन सम संख्या जो है वो सम है, इसमें कौन सी सम संख्या है, जल्दी से बताएं। 53, 0, 2, 7, 9 दूसरा है 83, 0, 4, 3, 0 तीसरा है 32, 8, 9, 8, 1 चौथा है 13, 25, 77 और 85 तो कौन इसमें से सम है। देखिए अगर आप इसमें आप 2 से विभाजिता वाला नियम लगाएंगे ना बाबू तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे ना इसको तो ये पूरा बहुत लंबा सा जाएगा। इसको आपको भाग वाग नहीं करना है, बस देखना है और देखते रहना है। वो संख्याएं जिसका लास्ट डिजिट 0 हो 2 हो 4 6 अथवा 8 है वह क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो देख लो इसमें किसका लास्ट डिजिट इसमें से मिल रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है किसी का अंतिम अंक,
इसका अंतिम अंक 9 है, ये सम संख्या नहीं है, इसका अंतिम अंक 0 है, देखिए मिल गया सम संख्या है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देख लेते हैं, इसका अंतिम अंक 1 है इसलिए ये भी सम नहीं है, इसका अंतिम अंक 5 है इसलिए ये भी सम नहीं है, समझ गए ना। तो अगला सवाल दिखाते हैं आपको, जल्दी से बताएं फटाफट। सवाल नंबर तीसरा का जवाब दीजिए जल्दी से, तुरंत फटाफट कमेंट करें, स्क्रीन पर आपके सवाल आ चुका है, जल्दी से बताएं कौन सी सम संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा उल्टा होगा, है ना। कह रहा निम्न में कौन सम संख्या नहीं है, पिछली बार आपने देखा था कि कौन सी सम संख्या है, इसमें कह रहा कौन सी सम संख्या नहीं है, बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब इसमें सभी संख्याएं सम हैं, बस एक संख्या है जो नहीं है। कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या यानी कि एक संख्या होगी। इसको ऐसे पूछ ले चाहे कि निम्न में से कौन सी सम संख्या है, तो ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, ऐसा नहीं है। ये चाहे तो ऐसे पूछे कि निम्न में कौन सम संख्या नहीं है, या फिर ऐसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या है, दोनों का मतलब एक हुआ, चाहे तो सम नहीं है या फिर विषम है, ठीक ना। चाहे किसी को कहा जाए कि वो चोर नहीं है, और चाहे उसको क्या कह दिया जाए, क्या है कि वो ईमानदार है, मतलब तो एक हुआ ना। तो इसमें देखिए, जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम होगी। इसमें देखिए 8 है ये सम है, ये भी सम है, 0 है, ये 5 है, देखिए नहीं है क्योंकि इसमें 5 नहीं मिलता है, ये 4 है, ये भी क्या है, सम है। अगर आप सभी क्लास देखना चाहते हैं डीएलएड की, हर दिन क्लास पाना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन आपको क्लास यूट्यूब पे नहीं मिल पाती होगी, बहुत से लोग परेशान रहते हैं जो लोग क्लास को ज्वाइन नहीं किए बाबू, तो आप लोग इस नंबर पर 9793488448 पर JOIN ज्वाइन लिंक करके व्हाट्सएप कर दें, या डायरेक्ट मैसेज कर दें, या मिस कॉल या फोन कर सकते हैं, आपकी क्लास की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और आपको क्लास हर दिन मिलेगी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आज से आपको टेंशन छोड़ देना है और बस दिल लगा करके पढ़ाई करना है। आपको मैथ सिखाने की पूरा 100% गारंटी लेते हैं अगर आप हमारे साथ हर दिन की क्लास को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद 10:30 बजे से होगी आपकी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की मैथ, उसको भी देखिएगा, ठीक है। 10:30 बजे से आपका सभी शेड्यूल जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा और आपको सभी क्लास मिल पाएंगी जो कि फ्री में मिलती है, ठीक है। और जो आप लोग ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर सभी क्लास मिलती है और 1 से 2 घंटे की लाइव होती है। थैंक यू।